अपने शहर की लेटेस्ट खबरों के लिए न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। जम्मू राज्य में इस साल अक्टूबर व नवंबर में विधानसभा चुनाव हो सकते हैं। ऐसे में चुनावी तैयारियों को तेजी देने के लिए प्रदेश भाजपा अध्यक्ष रविंद्र रैना की अध्यक्षता में हुई बैठक में जोर दिया गया कि भाजपा के कॉरपोरेटर व काउंसलर जमीनी सतह पर लोगों से समन्वय बनाकर विकास को तेजी दें। भाजपा के कॉरपोरेटर की जिम्मेदारी बनती है कि वो बिजली पानी और साफ सफाई संबंधी मुश्किलों को दूर करने पर पूरा ध्यान दें। रविंद्र रैना ने ये भी कहा कि भाजपा के कॉरपोरेटर लोगों व प्रशासन के बीच पुल की भूमिका निभाते हैं और यही भूमिका निभाते हुए विकास को तेजी दें। न्यूज डेस्क। आपकी यात्रा के दौरान आपकी कार का इंजन जूझता है गर्मी से, स्लज से और घिसाव से। हराइए गर्मी को, स्लज को और घिसाव को सुरक्षा की ढाल से। सर्वो फ्यूचुरा जी प्लस सिंथेटिक इंजन ऑयल आपके कार इंजन की सुरक्षा ढाल, जो दे ईंधन में 2% की बचत भी। सर्वो फ्यूचुरा जी प्लस इंडियन ऑयल की पेशकश। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज और मैं हूं आपके साथ नेहा। और आपके लिए लेकर आ गए एक बार फिर से हमारा शो इलेक्शन व्हील, जहां आपको दिखाई जाती हैं 11 प्रदेशों की बड़ी चुनावी 11 खबरें। शो की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले आप न्यूज को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए घुमाते हैं अपना चक्का और देखते हैं कि पहला प्रदेश कौन सा आता है जहां की चुनावी खबर आपको सबसे पहले दिखाई जाएगी। हम सभी जानते हैं कि कल छठे चरण के चुनाव पूरे हो गए। जनता का रुझान क्या रहा, ये 23 मई को हमें पता लग जाएगा। लेकिन फिलहाल देखते हैं कि चक्का कहां पर रुका है, और ये रुका है जम्मू एंड कश्मीर पर आकर। तो देख लेते हैं जम्मू कश्मीर से इलेक्शन व्हील की ये बड़ी खबर। अपने शहर की लेटेस्ट खबरों के लिए न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। एक तरीके से सरकारी तंत्र का पूरे तरीके से दुरुपयोग किया गया उस रैली को कामयाब करने के लिए। और आप जानते हैं कि पहले तो मुझको पूर्ण विश्वास था कि हमारे मुख्यमंत्री जी ही रामस्वरूप शर्मा जी से है हैरान और परेशान हैं, परंतु अब ये भी स्पष्ट हो गया कि आदरणीय प्रधानमंत्री रामस्वरूप शर्मा जी की नाकामियों से परेशान और ग्रस्त हैं, क्योंकि उनके प्रचार के लिए आए हुए थे और उन्होंने उनके नाम पे पत्र मांगने का गुजारिश भी नहीं की। और जहां आप देखो याद होगा पिछली बार यहाँ मोदी जी ने, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत से वादे किए थे, जैसे कि ले तक रेलगाड़ी ले जाएंगे, तो आज वो चुक चुक रेलगाड़ी कहाँ पहुँची है वो पूछना प्रश्नचिन्ह है। मंडी तक लाने की बात की गई थी, तो ले तक ले जाना तो दूर की बात है, मंडी तक नहीं पहुँच पाई, एक इंच नहीं बढ़ी वहाँ से। आपकी यात्रा के दौरान आपकी कार का इंजन जूझता है गर्मी से, स्लज से और घिसाव से। हराइए गर्मी को, स्लज को और घिसाव को सुरक्षा की ढाल से। सर्वो फ्यूचुरा जी प्लस सिंथेटिक इंजन ऑयल आपके कार इंजन की सुरक्षा ढाल, जो दे ईंधन में 2% की बचत भी। सर्वो फ्यूचुरा जी प्लस इंडियन ऑयल की पेशकश। तो जम्मू कश्मीर से अभी आपने देखी क्या थी चुनावी बड़ी खबर। और एक बार फिर से इस चक्के को घुमाते हैं और देखते हैं कि अब किस प्रदेश की बारी आती है, कौन सा प्रदेश इस तीर के निशाने पर लगता है, और फिर वहां के दिखाएंगे आपको चुनावी बड़ी खबर, क्योंकि लोकसभा चुनावों का इस वक्त माहौल गर्म है। तो यहां पर हिमाचल पर आप देख रहे हैं चक्का रुक गया है, तो नजर डाल लेते हैं हिमाचल से क्या कहा अक्षय शर्मा ने मोदी की रैली के बारे में। अपने शहर की लेटेस्ट खबरों के लिए न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। Right.
राजस्थान के उप मुख्यमंत्री और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सचिन पायलट का कहना है कि अगर कांग्रेस की सरकार बनी तो राहुल गांधी ही प्रधानमंत्री होंगे। राष्ट्रवाद भाजपा के लिए एक जुमला है जबकि कांग्रेस के लिए एक जज्बा है। उन्होंने कहा कि राजस्थान में ये परंपरा रही है कि विधानसभा चुनावों में जो पार्टी जीतती है लोकसभा चुनावों में भी उसका ही पड़ला भारी रहता है। सचिन पायलट का कहना है कि वैसे भी केंद्र की भाजपा सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले 5 सालों में लोगों को निराश ही किया है। न्यूज डेस्क। आपकी यात्रा के दौरान आपकी कार का इंजन जूझता है गर्मी से, स्लज से और घिसाव से। हराइए गर्मी को, स्लज को और घिसाव को सुरक्षा की ढाल से। सर्वो फ्यूचुरा जी प्लस सिंथेटिक इंजन ऑयल आपके कार इंजन की सुरक्षा ढाल, जो दे ईंधन में 2% की बचत भी। सर्वो फ्यूचुरा जी प्लस इंडियन ऑयल की पेशकश। तो देखा आपने कि आश्रय शर्मा ने मोदी की रैली के लिए क्या कुछ कहा, और उन्होंने कहा कि मोदी की रैली में भीड़ बाहर से जुटाई गई थी ताकि प्रधानमंत्री को बुरा ना लग जाए। खैर, क्या सही है और क्या गलत ये तो पार्टी के लोग ही जानते हैं, लेकिन फिलहाल हम आपको बता दें कि हम जानते हैं कि ये जो चक्का है वो चलता हुआ धीरे धीरे आकर रुक गया है, जैसा कि आप देख रहे हैं राजस्थान पर। तो नजर डाल लेते हैं राजस्थान से सचिन पायलट ने क्या कुछ कहा लोकसभा चुनावों के बारे में। अपने शहर की लेटेस्ट खबरों के लिए न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। अमृतसर में जोड़ा फाटक पर पिछले साल दशहरे के दिन हुए रेल हादसे में पीड़ित परिवारों ने चुनाव का बहिष्कार किया है। इस मामले में पीड़ित परिवारों ने इलाके में पोस्टर चिपका दिए हैं। लोगों का कहना है कि अभी तक उन्हें इंसाफ नहीं मिला है। पार्टी के नुमाइंदे उनके पास आते हैं और इंसाफ का भरोसा देकर गायब हो जाते हैं। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਸਾਡੀ ਬਾਹ ਫੜੇ ਆ ਗਏ, ਜਿਹੜਾ 2-2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਬਾਕੀ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੀ 5-5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤਾ ਉਸ ਪਾਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਛ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਸਾਡੀ ਆ ਕੇ ਵਾਤ ਲੈਣਾ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਆ ਕੇ ਵਾਤ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਪੂਰੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ 2 ਛੋਟੇ, ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਸਰਕਲ ਚਲਾਉਣਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਆ ਕੇ ਸਾਡੀ ਵਾਤ ਲੈਣਾ, ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣਾ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀਆਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਪਾ ਦੇਣ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਮੋਟਾ ਖੋਲ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਈਏ। ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਖੋਲਿਆ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਕੁਛ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਉਹੀ 5-5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਹੋਰ ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਨਾ ਨਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾਣੀ। हमारा नाम प्रीति हैगा सर, मेरा हस्बैंड पूरा हुआ है, मेरा 10 साल का लड़का पूरा हुआ है, हमारे आगे पीछे कोई नहीं है, छोटा सा बच्चा हैगा, मैं छोटे बच्चे लेके परेशान हो रही हूँ, मायके वाले ससुराल वाले कोई साथ नहीं दे रहा है, मैं यहाँ पर परेशान हो रही हूँ। और जो पैसे मिला था 5-5 लाख रुपया, वो मेरा जेठ लेके भाग गया हुआ है, हमारे पास कुछ भी नहीं है। अभी तक नहीं मिला ना, कुछ भी नहीं मिला ना, ना कुछ भी। अब वोट आप डालोगे या नहीं डालोगे? नहीं डालूंगी, जब हमारी मदद कोई नहीं कर रहा तो मैं कैसे छोटा बच्चा लेके मैं कैसे पालूंगी। हमारे जो रिश्तेदार है सारे ससुराल के है, कोई मेरी मदद नहीं कर रहा है। गली गोंड में इसके इनके साथ में रहती हूँ, मकान मालिक के घर में रहती हूँ, बर्तन उनके बर्तन में उनके बिस्तर पे मैं सो रही हूँ, हमारे पास कुछ भी नहीं है। जो 25,000 मिला था उसी में मैं खर्चा चला रही हूँ। हमारा भाई हिमाचल में रहता है और 2-3 हज़ार रुपया महीना का भेजता है, 2-3 हज़ार रुपया में मैं अपना बच्चा पालू, मैं रहूँ खाऊँ पीऊँ की कमरा किराया दूँ। हमारे भी हैं घुड़ी है, क्या कैसे 1 रुपया 5 रुपया भी नहीं दिते यार, 5 रुपया भी नहीं आया, सू कोई पुछन भी नहीं आया, 5 लाख दूर रह गए, गली च कोई चाकी मारे भी नहीं आया, सानू चंडीगढ़ बुला कुत्तिया मंगू, कुत्तिया मंगू असर पूछते मगर लगे रहने, वो बंदे अगे असं जानवर गए, वो जिधर बनाया असं उधर जाइए, सानू तो हौसला दे मुड़ के साड़ी गली च क्यों नहीं बढ़ते, क्यों नहीं कहना माता तू इतने आई साड़ी बुलाया ना आई, तो थोड़ा फर्ज नहीं साढ़े घर आओ, साढ़े घर आके पूछा हाँ माता की सहायता मिली नहीं, मतलब कितना रोटी खाते कितना नहीं खाते, हूँ आप बड़े थले कूलर थले एसी थले रहते, असं तो पखे थले भी नहीं रहते, अभी सड़क के पे आकर काम करते पे हैं, दिहाड़ी मजदूरी कर रहे हैं,
ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਸਹਾਇਤਾ ਕੋਈ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਮੇਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਅੱਗ ਚੱਲੇ ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਲਗਾ ਚੁਆਲ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਗਿਆ ਏ ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਕਮਾਲ ਅਸੀਂ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜ ਲੱਖਾਂ ਡੰਡੇ ਸੀ ਉਸਾਰੀਆਂ ਦੇ ਭੈਣਾਂ ਕੀ ਵਿਚਾਰੀ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਰਸਦੀ ਰੱਖੜੀ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਚੇਕ ਕਰ ਅਸੀਂ ਰੋਟੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਮੇਰੇ ਦਿਲੋਂ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ ਪਿਆ ਉਹਦਾ ਭਗਵਾਨ ਹੈਗਾ ਸੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਸੀ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਫੋਟੋ ਲਾ ਲਓ ਮੇਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੀ ਫੋਟੋ ਲਾ ਲਓ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਹੇਗਾ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਭਗਵਾਨ ਹੀ ਆ ਵੱਡੇ ਛੋਟੇ ਸਭ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਹਾਂ ਹੱਸਦੇ ਰਹੇ ਨਾ ਖੇਡਦੇ ਰਹੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਮੈਂ ਦੁੱਧ ਲਿਆ ਦੇ ਉਹਨੇ ਚਾਹ ਛੱਡ ਕੇ ਦੁੱਧ ਲੈ ਚਲੇ ਦਹੀਂ ਗਲਾ ਨਹੀਂ ਆਂਟੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮੈਂ ਦੇ ਲਿਆ ਉਹਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਛਾ ਆਂਟੀ ਜੀ ਮੈਂ ਲਿਆ ਚਾਹ ਰੱਖੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਮੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਕੀ ਇਨਸਾਫ ਹੋ ਰਿਹਾ ਮੇਰੇ ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਮਾਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰੇ ਵੀ ਦੋਨੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਬਿਲ ਮਾਰ ਦਿਓ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੀ ਸੱਤਰ ਸਾਠ ਸਾਲ ਪਿਆਰ ਸਾਡੀ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ ਆ ਵਾਅਦੇ ਹੈ ਕਿਤੇ ਪੈਸੇ ਮਿਲੇਗੇ ਬੀਬੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਮਿਲਿਆ ਪੈਸੇ ਮਿਲੇਗੇ ਕੱਪੜੇ ਮਿਲੇਗੇ ਰਾਸ਼ਨ ਮਿਲੇਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਵੀ ਮਿਲੇਗੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬੁਢਾਪਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੁਢਾ ਵੋਟਾਂ ਪਾਵਾਂਗੇ ਬੇਟਾ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਘਰ ਆ ਕੇ ਪੈਸੇ ਦਿਓ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੋਟਾਂ ਪਾਵਾਂਗੇ ਵੋਟਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣ ਪਾਣੀਆਂ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਆ ਬੋ ਬੇਟਾ ਮੱਲਾ ਕਭੀ ਮੇਰਾ ਘਰ ਦਾ 16 ਜੀ ਹੈਗੇ ਆ ਸਾਡੇ 16 ਵੋਟਾਂ ਬੰਦੀਆਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾਓਗੇ ਪਾਵਾਂਗੇ ਪਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ ਨਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪਾਵਾਂਗੇ ਮੇਰਾ ਗਰੀਬ ਦਾ ਸੁਣਾਈ ਕਰਨ ਮੇਰਾ ਆਦਮੀ ਤੇ ਮੇਤੋਂ ਵੀ ਪੂਰਾ ਗਾ ਤੇ ਦੋਲ ਚੱਲਿਆ ਜਵਾਨ ਬੁੱਤੇ ਜਵਾਨ ਜਵਾਨ ਬੱਚੇ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਚੁੱਕਿਆ ਜਵਾਨ ਬੁੱਢੇ ਨੇ ਕਿਤੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਪਿਓ ਦੀ ਚੁੱਕਰੀ ਜਾਏ ਪਿਓ ਦੀ ਚੁੱਕੇ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਉਹਦਾ ਪਿਓ ਮਰ ਜਾਏ ਪਿਆਰੇ ਦਾ ਸੋਚ ਦੋ ਦੋ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ ਮੰਜੇ ਨੇ ਮਰੇ ਮੁਰਦੇ ਵਾਂਗੂ ਪਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਭੇਖਾ ਨੂੰ ਸੋ ਬੇਦਲ ਮਾਰ ਸੀਗੀ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਮੇਰੀ ਦੋ ਕੁੜੀ ਹੈਗੀ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਸਰ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਮੇਰਾ ਜਵਾਨ ਮੁੰਡਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪੂਰਾ ਆਇਆ ਹੈ। बता दें कि इस रेल हादसे में लगभग 62 लोगों की मौत हो गई थी, जिसके बाद पार्टियों के नुमाइंदे जोड़ा फाटक पहुंचे और नौकरी के साथ साथ पैसे देने का वादा किया, जिससे उनके परिजनों का गुजारा आराम से चल सके। लेकिन पीड़ित परिवारों को ना तो नौकरी मिली और ना ही पैसे, जिसके चलते अब अमृतसर की जनता ने लोकसभा चुनाव में वोट न देने का मन बना लिया है। न्यूज डेस्क। आपकी यात्रा के दौरान आपकी कार का इंजन जूझता है गर्मी से, स्लज से और घिसाव से, हराइए गर्मी को, स्लज को और घिसाव को सुरक्षा की ढाल से। सर्वो फ्यूचुरा जी प्लस सिंथेटिक इंजन ऑयल आपके कार इंजन की सुरक्षा ढाल, जो दे ईंधन में 2% की बचत भी। सर्वो फ्यूचुरा जी प्लस इंडियन ऑयल की पेशकश। तो सचिन पायलट का कहना है कि भारत एक गुलिस्ता है और इन सबको हम ही को बनाकर रखना है। तो देखते हैं कि उनकी बातों में कितनी सच्चाई है। रिजल्ट आने के बाद पता लगेगा कि क्या कांग्रेस आती है एक बार फिर से या फिर भाजपा अपना मुकाम कायम रखती है, ये तो हमें 23 मई को ही पता चलेगा। लेकिन आप भी हमें बता सकते हैं कॉमेंट करके कि आप किसे देखना चाहते हैं अगला प्रधानमंत्री। फिलहाल हम आपको बता दें कि पंजाब पर आकर चक्का रुक चुका है, तो देख लेते हैं पंजाब से इलेक्शन व्हील की ये खबर। अपने शहर की लेटेस्ट खबरों के लिए न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। कांग्रेस नेता के बयान उल्टे उनके गले की फांस बनते दिख रहे हैं। सैम पित्रोदा का बयान अभी कांग्रेस के लिए विवाद बना हुआ है, तो हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने सिद्धू के उस बयान पर सिद्धू और कांग्रेस दोनों को घेरा है, जिसमें सिद्धू ने कहा था गोरे चले गए और अब कालों को भगाना है। इस पर अनिल विज ने कड़ी प्रतिक्रिया दी और कहा कांग्रेस के स्टार प्रचारक नवजोत सिंह सिद्धू ने भारत के काले रंग वाले लोगों का अपमान किया है। कांग्रेस के स्टार प्रचारक नवजोत सिंह सिद्धू ने हिंदुस्तान के काले रंग वाले लोगों का बहुत अपमान किया है। उन्होंने कहा है कि गोरे रंग वाले अंग्रेजों को हमने दौड़ा दिया और अब काले रंग वालों को सत्ता से बाहर करना है। ऐसा लगता है कि कांग्रेस गोरे और काले रंग वाले हिंदुस्तानियों के बीच में झगड़ा करवाना चाहती है, उनके बीच में मतभेद पैदा करना चाहती है और कांग्रेस ये चाहती है कि सत्ता के ऊपर खाली इटालियन चमड़ी वालों का ही हक होना चाहिए, केवल उन्हीं का ही राज होना चाहिए। कांग्रेस पार्टी बहुत विभाजनकारी पार्टी है और इसने कई प्रकार के विभाजन देश में
करवाए, देश का बंटवारा इन्होंने धर्म के आधार पर करवाया, और 84 में सिखों का कत्लेआम इन्होंने धर्म के आधार पर करवाया, और अब ये गोरे और काले लोगों को आपस में लड़ाना चाहती है। विज ने कहा, कांग्रेस अब भारत को काले और गोरे रंग वाले लोगों में बांटना चाहती है। कांग्रेस बहुत विभाजनकारी पार्टी है। न्यूज डेस्क। आपकी यात्रा के दौरान आपकी कार का इंजन जूझता है गर्मी से, स्लज से और घिसाव से। हराइए गर्मी को, स्लज को और घिसाव को सुरक्षा की ढाल से। सर्वो फ्यूचुरा जी प्लस सिंथेटिक इंजन ऑयल आपके कार इंजन की सुरक्षा ढाल, जो दे ईंधन में 2% की बचत भी। सर्वो फ्यूचुरा जी प्लस इंडियन ऑयल की पेशकश। तो इलेक्शन व्हील में खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा जब तक आपको 11 प्रदेशों की बड़ी 11 खबरें दिखा नहीं देते, क्योंकि इलेक्शन व्हील में है 11 प्रदेश और वहां की बड़ी चुनावी 11 खबरें। चुनावी खबरें इसलिए क्योंकि इस समय लोकसभा चुनाव का माहौल गर्म है। तो फिलहाल आपको बता दें कि चक्का आकर रुका है हरियाणा पर। तो एक बार फिर से देखते हैं कि अनिल विज ने क्या विवादित बयान दिया और क्यों वो सुर्खियों में आए। अपने शहर की लेटेस्ट खबरों के लिए न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। यहाँ तो जो थर्ड वाले रुकाए जाते हैं, जैसे पुरुष और महिला के अलावा और भी, उनको हम किस शब्दों से संबोधित करें, वो भी प्रत्याशी बनते हैं हमारे देश में। लेकिन महिलाओं का ठुमकी लगाना कितना सही है? हम इसको सही नहीं मानते। मैं ऐसी चीज़ें प्रजातंत्र तो में अच्छी नहीं समझता। यहाँ तो जो थर्ड वाले रुकाए जाते हैं, जैसे पुरुष और महिला के अलावा और भी, उनको हम किस शब्दों से संबोधित करें, वो भी प्रत्याशी बनते हैं हमारे देश में। लेकिन महिलाओं का ठुमकी लगाना कितना सही है? हम इसको सही नहीं मानते। मैं ऐसी चीज़ें प्रजातंत्र में अच्छी नहीं समझता। अब नेहरुआ तो सवेरे ठीक ही बोल रहे, तो कह रहे थे हमारे पक्ष में मतदान हो रहा है। मैं आजमगढ़ तो गया नहीं, आप लोग ज़्यादा अच्छा बता सकते हैं, लेकिन आजमगढ़ में आपकी इतिहास बनेगा। अखिलेश जब हारेंगे तब उनको पता चलेगा, क्योंकि अखिलेश तो औरंगजेब बनकर समाजवादी पार्टी को कब्जा किया है। अखिलेश कभी जमीन पर लड़ाई नहीं लड़े हैं, उन्हें तो जो कुछ मिला बाप की कमाई मिली है। तो अपना जिस कमाई नहीं होती उसको जरूर जनता उत्तर देती है। क्या रिपोर्ट है आज की? अखिलेश बुरी तरीके से हारेंगे। बस नवजोत सिंह सिद्धू अब काले अंग्रेजों से भारत को मुक्त कराने की बात कर रहे हैं, बीजेपी को कह रहे हैं। वो कौन से, वो अंग्रेज के औलाद है नवजोत सिद्धू? हम लोग अगर हम लोग काले के औलाद है तो नवजोत सिद्धू अपने आप क्या अंग्रेज के औलाद है, बता दे इतना। आपकी यात्रा के दौरान आपकी कार का इंजन जूझता है गर्मी से, स्लज से और घिसाव से। हराइए गर्मी को, स्लज को और घिसाव को सुरक्षा की ढाल से। सर्वो फ्यूचुरा जी प्लस सिंथेटिक इंजन ऑयल आपके कार इंजन की सुरक्षा ढाल, जो दे ईंधन में 2% की बचत भी। सर्वो फ्यूचुरा जी प्लस इंडियन ऑयल की पेशकश। तो देखा आपने कि क्या कुछ कहा अनिल विज ने। खैर, नेताओं की बयानबाजी इस समय जरूर सामने आएगी, क्योंकि जिस तरह से माहौल गरमाया हुआ है, फिजाओं में ही चुनावी माहौल है, तो राजनेता और नेता एक दूसरे पर, विपक्षी पार्टी पर इसी तरह की बयानबाजी कर आरोप और प्रत्यारोप लगाते रहते हैं। फिलहाल हमें इंतजार है इस चक्के के रुकने का, और फिर बताएंगे कि किस प्रदेश की खबर आपको दिखाई जाती है। जम्मू कश्मीर पर आकर रुका है, लेकिन वहां की खबर हम आपको दिखा चुके हैं। तो चलिए आपको लेकर चलते हैं सबसे ज्यादा लोकसभा सीटों वाले उत्तर प्रदेश पर, और दिखाते हैं कि नरेश अग्रवाल ने रवि किशन के लिए ऐसा कुछ कहा जिसे सुनकर हर कोई हैरान है। अपने शहर की लेटेस्ट खबरों के लिए न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। बिहार में लोकसभा चुनाव की ये एक बड़ी खबर है। लंबे समय से अलग अलग रह रहे राष्ट्रीय जनता दल सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के दोनों लाल तेज प्रताप यादव व तेजस्वी यादव ने एक साथ चुनाव प्रचार किया। तेज ब्रदर्स की इस जोड़ी ने 12 मई को बिहार में 3 जगहों पर चुनाव प्रचार किया, और इसके बारे में जब तेजस्वी से सवाल किया गया तो उन्होंने मीडिया कर्मियों को शक का इलाज कराने की नसीहत दे डाली। न्यूज डेस्क।
आपकी यात्रा के दौरान आपकी कार का इंजन जूझता है गर्मी से, स्लज से और घिसाव से। हराइए गर्मी को, स्लज को और घिसाव को सुरक्षा की ढाल से। सर्वो फ्यूचुरा जी प्लस सिंथेटिक इंजन ऑयल आपके कार इंजन की सुरक्षा ढाल, जो दे ईंधन में 2% की बचत भी। सर्वो फ्यूचुरा जी प्लस इंडियन ऑयल की पेशकश। तो यूपी से देखा अभी आपने क्या कुछ कहा नरेश अग्रवाल ने, और इस तरह की बयानबाजी जब सामने आती है तो अक्सर सुर्खियां बटोर ही लिया जाता है। तो यहां पर हम चक्का घुमा चुके हैं, आप देखते हैं किस प्रदेश की बारी आती है, निशान के सामने यानी कि इस तीर के सामने कौन सा प्रदेश आता है, फिर वहां की बड़ी चुनावी खबर आपको दिखाई जाएगी। तो यहां पर धीरे धीरे चक्का रुकता हुआ बिहार पर आकर रुक गया है, आप देख रहे हैं। तो आपको बताते हैं कि काफी टाइम बाद दोनों भाई यानी कि तेज प्रताप और तेजस्वी यादव साथ में दिखाई दिए, क्या वजह रही देखिए इलेक्शन व्हील की इस खबर में। अपने शहर की लेटेस्ट खबरों के लिए न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। झारखंड में 4 लोकसभा सीटों पर शांतिपूर्ण ढंग से भारी मतदान हुआ और यहां नक्सलियों के चुनाव बहिष्कार के आह्वान का भी कोई प्रभाव देखने को नहीं मिला। झारखंड में मतदान संपन्न होने तक प्रारंभिक आंकड़ों के अनुसार गिरिडीह में कुल 65.93% मतदान, जमशेदपुर में 66.44% मतदान हुआ, जबकि धनबाद में 61.90% मतदान रिकॉर्ड किया गया। गिरिडीह के पीरटांड, टुंडी और धनबाद के अनेक ऐसे इलाकों में भी भारी मतदान हुआ जहां माओवादियों के भय से लोग मतदान के लिए घर से बाहर नहीं निकलते थे, लेकिन इस बार उन्होंने भी अपने मत के अधिकार का पूरा प्रयोग किया। न्यूज डेस्क। आपकी यात्रा के दौरान आपकी कार का इंजन जूझता है गर्मी से, स्लज से और घिसाव से। हराइए गर्मी को, स्लज को और घिसाव को सुरक्षा की ढाल से। सर्वो फ्यूचुरा जी प्लस सिंथेटिक इंजन ऑयल आपके कार इंजन की सुरक्षा ढाल, जो दे ईंधन में 2% की बचत भी। सर्वो फ्यूचुरा जी प्लस इंडियन ऑयल की पेशकश। तो वजह थी चुनाव प्रचार और इसके लिए दोनों भाइयों को साथ में आना ही पड़ा। खैर, चुनावों में लोग दूरियां कभी बढ़ा लेते हैं तो कभी नजदीकियां साथ ले आती हैं। फिलहाल यहां देखना होगा कि अब किस प्रदेश की बारी आती है, जो हमें चुनावी चक्का ही बताएगा, यही बताता है कि खबर दर खबर आपको कौन सी खबर दिखानी है। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि धीरे धीरे बिहार पर फिलहाल आकर चक्का रुका है। एक बार फिर से घुमाएंगे इसे और देखेंगे, क्योंकि बिहार की खबर हो चुकी है, अब देखते हैं कि अगला प्रदेश आता है वो जिसकी खबर आपको नहीं दिखाई है अभी हमने, फिर वहां की चुनावी खबर पर सीधा आपको ले चलेंगे। तो चक्का हम घुमा चुके हैं और धीरे धीरे ये रुकता जा रहा है, देखना होगा कि कहां पर आकर ये रुकता है। तो गति अपनी धीमी कर रहा है ये, और ये आकर रुका है, आप देख रहे हैं हिमाचल पर रुका है, लेकिन हिमाचल की खबर हम आपको दिखा चुके हैं। बचा है झारखंड, तो ले चलते हैं सीधे आपको झारखंड में और बताते हैं कि नक्सलियों की धमकी के बाद भी लगातार मतदाताओं ने वहां मतदान किया। अपने शहर की लेटेस्ट खबरों के लिए न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। भारत की दशा और दिशा उस साथ में संयुक्त रूप से सभी को साथ में लेकर। मिस्टर सिंधिया, दिस मॉर्निंग प्राइम मिनिस्टर हैज गिवन एन इंटरव्यू टू अ न्यूज़पेपर एंड यू सेड दैट ऑल द सेक्युलर फोर्सेस नेवर गिव लीडरशिप अपॉर्चुनिटी टू मुस्लिम पीपल फ्रॉम द मुस्लिम कम्युनिटी और माइनॉरिटी कम्युनिटी। आप कैसे कह सकते हैं? द प्राइम मिनिस्टर सेड दैट। प्रधानमंत्री जी तो कई चीज कहते हैं जो सत्य से परहेज होता है। आप यूपीए सरकार के मंत्रिमंडल को पिछले दो बारों में देखेंगे, 10 साल हमारी सरकार थी, हर समाज के व्यक्ति को अवसर दिया गया था,
हर समाज की। हम सोचते हैं कि भारत एक गुलदस्ता है और उस गुलदस्ता में हर समाज हर धर्म व्यक्ति का महक होना अनिवार्य है। आपकी यात्रा के दौरान आपकी कार का इंजन जूझता है गर्मी से, स्लज से और घिसाव से। हराइए गर्मी को, स्लज को और घिसाव को सुरक्षा की ढाल से। सर्वो फ्यूचुरा जी प्लस सिंथेटिक इंजन ऑयल आपके कार इंजन की सुरक्षा ढाल, जो दे ईंधन में 2% की बचत भी। सर्वो फ्यूचुरा जी प्लस इंडियन ऑयल की पेशकश। तो लोगों ने अपने मत के अधिकार का पूरा प्रयोग किया, क्योंकि वो भी चाहते हैं कि सरकार जो अगली आए वो उनकी समस्याओं को सुने और उनको दूर करे, क्योंकि झारखंड जैसा कि आप जानते हैं नक्सली प्रभावित क्षेत्र है, लोग परेशान हैं नक्सलियों से, चाहते हैं कि अब सरकार ऐसी बने जो उनकी समस्याओं को दूर करे। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि चक्का धीरे धीरे रुकता जा रहा है और ये मध्य प्रदेश पर आकर रुक गया है। तो देख लेते हैं मध्य प्रदेश की इलेक्शन व्हील की ये बड़ी खबर। तो इलेक्शन व्हील में आज आपने देखी 11 प्रदेशों की बड़ी 11 चुनावी खबरें और इसी तरह रोज हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे। और फिलहाल हमारे जाने का टाइम हो चुका है, इस चक्के को यूं ही घुमा देते हैं, क्योंकि जब तक ये घूमता रहेगा खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। आप न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर करना ना भूलिए। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।